there is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within that time is now it is time to wake up and take charge of life awaken to a new way of thinking awakening with brahma kumaris वेलकम टू अ बेकिंग विद ब्रह्मा कुमारिस सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति सिस्टर आज मुरली पढ़े है? जरूर आज की मुरली कर्मों के ऊपर है कि कर्म का भी फाउंडेशन क्या है क्योंकि हमने कर्म को देखा कर्म से भाग्य कैसे बनता है वो देखा तो जब कर्म से हमारा भाग्य बनता है तो कर्म के आधार पे होना चाहिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कर्म से मेरा भाग्य बनना है तो कर्म आपकी भाषा में हमको बनाना है बनाना है ये सो विच मीन्स माई एक्शंस बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि सही कर्म तो जो भाग्य मुझे चाहिए वैसा बनता जाएगा लेकिन सही कर्म का भी आधार क्या है तो आज की मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म समर्थ परफेक्ट कंप्लीट, समर्थ कर्मों का आधार धर्म इसीलिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है धर्म इतना इम्पोर्टेंट है लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है कि धर्म को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना क्योंकि परमात्मा ने कहा धर्म से कर्म और फिर कर्म से भाग्य तो धर्म की अंडरस्टैंडिंग इंपोर्टेंट मानव जीवन में हरेक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं एक धर्म दूसरा कर्म धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है शिक्षित धर्म का मीनिंग और है हिंदी में क्वालिटी जैसे अग्नि का धर्म जलाना पानी का धर्म मतलब बुझाना है। right. आग बुझाना आग तो वैसे मुझे लगता है यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि जो हमारा धर्म है सोल का धर्म mm. आत्मा का जो धर्म है उसमें स्थित yes. तो जो सोल की क्वालिटीज हैं पीस लव नॉलेज पावर yeah. ब्लेस वो जो भी है राइट right. तो उस धर्म में स्थित, स्थित होना और फिर कर्म करना तो हर कर्म कैसा हो जाएगा कुछ गलती होगी नहीं दिस इज तो इसलिए फिर हमें ज्यादा सोचना नहीं कि सही कर्म क्या है गलत क्या है मैंने सही किया या गलत किया उतना कर्म पर अटेंशन फिर रखने की जरूरत नहीं होगी पे नहीं, लेकिन बी योरिजिन तो धर्म पर, पर अटेंशन रखने की जरूरत होगी तो स्थिति में धर्म और फिर बाहर आए तो कर्म और इसीलिए कितनी सुंदर ये लाइन है कि मानव जीवन की विशेष दो ही धारणाएं हैं धर्म और कर्म धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकते दिस नीड्स टू बी धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। सक्सेस क्यों नहीं मिल सकती अगर जिसका जिसको अगर जीवन में चोरी करना है तो चोर एज अ चोर वो सक्सेसफुल हो जाए हाँ तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है उसके हिसाब से वो हाँ उसके हिसाब से भी किसी भी मनुष्य आत्मा के हिसाब से सृष्टि पर किसी भी मनुष्य आत्मा के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस क्या चाहिए एंड में धन चाहिए तरक्की चाहिए नाम चाहिए मान चाहिए शान चाहिए लेकिन फाइनली वो सब कुछ किस लिए चाहिए क्योंकि वो सब कुछ मिलकर अच्छा लगता है और अच्छा लगता है मतलब आई द सोल फील नाइस वेन आई गेट दिस मनुष्य आत्मा को क्या चाहिए, happiness चाहिए. लेकिन हैप्पीनेस तब मिलेगी जब हर कर्म धर्म के आधार पर स्थित होगा आज क्या हुआ सफलता की डेफिनेशन में हमें बहुत कुछ मिल गया बहुत कुछ मिल गया लेकिन कौन सी चीज नहीं मिली जिसके लिए ये सब किया वो नहीं मिली वो नहीं मिली मतलब खुशी नहीं मिली और ही हम कह रहे हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है डिप्रेशन बढ़ रहा है एंजाइटी बढ़ रही है रिश्तों में दूरिया आ रही है मतलब प्यार कम हो रहा है एडजस्टमेंट पावर कम हो रही है सहन शक्ति कम हो रही है हेल्थ अफेक्ट हो रही हाँ इलाज बहुत सारे हैं आज जो पहले नहीं थे लेकिन हेल्थ ओवरऑल तो कम होती जा रही है भी इतनी थी सो नाओ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ टूडे एम आई सक्सेसफुल और हम अपनी सक्सेस की डेफिनेशन किस पैरामीटर पर रखेंगे सक्सेस की डेफिनेशन वो कि सब कुछ किया सब कुछ प्राप्त किया और आज मैं आत्मा संतुष्ट खुश एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स लेकिन सब कुछ किया अपने प्रोफेशन में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गए जो सोचा था उससे ज़्यादा अचीव किया लेकिन रिश्तों में वो अभी मिठास नहीं है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अंदर मिठास नहीं है एम आई हैप्पी एंड सक्सेसफुल नहीं मैं सुनते सुनते ये सोच रहा था कि आज तक मैं समझता था कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी है लेकिन ये आपका जो जवाब है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी सही निकल गया जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं और नाम शान yes. जो भी है सक्सेस हाँ, हाँ. उसका एंड रिजल्ट मैंने सोचा नहीं था कि क्या चाहिए अगर किसी भी चीज के एंड रिजल्ट में आप हाँ. अच्छा फील नहीं करते अंदर तो देन यू नॉट गोइंग तो टू एंजॉय आप एंजॉय नहीं करेंगे उस चीज को जब तक अंदर अंदर मतलब आत्मा जब तक अच्छा फील नहीं करेगी सपोज सपोज आपकी इंडस्ट्री लेते हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अचीव किया पूरी दुनिया ने रिकिग्नाइज़ किया शायद ही किसी और प्रोफेशन में वर्ल्ड वाइड रिकग्नेशन मिलने वाला है तो दुनिया ने रिकिग्नाइज़ किया दुनिया ने अप्रिशिएट किया सब कुछ मिला तरक्की हुई जो चाहिए था वो मिल गया लेकिन आज उसी प्रोफेशन में फिर डिप्रेशन रेट क्यों इतना हाई है उसी प्रोफेशन में फिर लोनलीनेस इतनी ज़्यादा क्यों है सब कुछ मिलने के बाद लोनली और डिप्रेस होने का तो फिर इक्वेशन में फिट नहीं होगा ना हम ये समझ सकते हैं सपोज मैंने नहीं अचीव किया मैं डिप्रेस हूँ इज़ ओके एक्सेप्टेबल लेकिन जिसने इतना अचीव किया इतनी रिकग्निशन मिली जो एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता है कि उसको मिल सकती है कभी किसी को एक मूवी से दो मूवी से वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलने के बाद इतनी अप्रिसिएशन इतना प्यार मिलने के बाद फिर लो फीलिंग फिर भी साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं ना भी नहीं तो करते हैं, हैं सुसाइड के लिए उतना नहीं भी एक्सट्रीम वो तो कुछ करते हैं लेकिन एक यू नो नॉट दैट इंटरनल फुलफिलमेंट एक वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो अंदर होनी चाहिए वो तो किसी प्रोफेशन में नहीं आ सकता नहीं व्हाई आई एम टेकिंग योर प्रोफेशन क्योंकि उसमें एक्सट्रीम मिलता है उसमें एक्सट्रीम रिकग्निशन अचीवमेंट नाम मान शान धन सब मिलता है धन से जो कुछ खरीदना है वो मिलता है सब कुछ मिलने के बाद भी क्यों लोनलीनेस और डिप्रेशन अगर ये चीजें ला सकती थी अब हम उस आत्मा को सक्सेसफुल कह सकते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट तो सक्सेस की डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियल में डिफरेंट नहीं होती है आज समझ में आया ना सक्सेस की डेफिनेशन मीन सब कुछ करना है लेकिन करने के बाद भी अच्छा फील नहीं हुआ और करने के दौरान भी वो तो हमने सोचा नहीं था ना क्योंकि हमने सोचा था करने के बाद अच्छा फील होगा सी इफ यू सी एनी बडी कम्स इन टू इनिशियल तो वो ये सोच के आए कि जब मैं अचीव कर लूंगा जब मैं ये बन जाऊंगा जब मैं ये कर लूंगा देन आई बी दैपीएस्ट पर्सन तो सपोज इतना वो इक्वेशन भी सेट किया और वो अपने इनिशियल फेज में स्ट्रेस्ड, डिप्रेस जो कुछ भी है एंड देन अ बिग मूवी हिट सडनली बिग फेम नेम उसके बाद तो खुश होना चाहिए ना पहले नहीं थे ठीक है उसके दौरान नहीं थे चलो वो भी ठीक है वट अबाउट आफ्टर दैट आफ्टर दैट भी अगर नहीं है फिर कब होंगे और हैप्पीली रिटायर भी नहीं होना चाहते एडिक्शन भी नहीं क्योंकि वो एक अडिक्शन है अब और वो अब किसी भी प्रोफेशन में है क्योंकि एडिक्शन क्या हुई जब मैंने अपने आप को अंदर से भरपूर नहीं किया भरपूर इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन अगर मुझे ड्रग्स की एडिक्शन टीवी की एडिक्शन अल्कोहल किसी भी चीज़ की एडिक्शन है कि ये मिलेगा देन आई विल फील गुड सिमिलरली लोगों से नाम मान शान मिलेगा देन आई विल फील गुड और जो ऐसे प्रोफेशंस या रोल्स होंगे जिनमें वो मिलने की आदत पड़ जाएगी एंड अगर मेरा फीलिंग गुड फैक्टर उसी पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर उसके बिना तो बहुत डिफ़िकल्ट है पर, क्योंकि इट्स लाइक माय ड्रग जो आज नहीं मिला तो इसीलिए ऐसे प्रोफेशंस या कोई भी प्रोफेशन में अगर आपको बाह्य रिकग्निशन मिलता है चाहे एक छोटे से ऑफिस में ही आपको रिकग्नीशन मिला अप्रीसी मिला यू हैव टू टेक केयर कि आपका फीलिंग गुड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर डिपेंडेंट ना हो जाए। स्ट्रेंज सिस्टर, जब मैं हैदराबाद में पला बड़ा हुआ तो वहाँ के जो नवाब होते थे उनके पास मतलब अनगिनत पैसा होता था फिर भी उनको ऐसे एक दो रखने पड़ते थे नौकर जो सिर्फ पूरा दिन उनकी तारीफ करते रहे नॉन स्टॉप वो नहीं आता तो तारीफ नहीं होती उनको अजीब सा एडिक्शन दिस और वो लोग सबसे ज्यादा लूटते थे उनको और जो मतलब दे टू एक्चुअली स्पॉइल देम करते इनकी बात सुनने लग जाते थे बिकॉज yes. yeah. वो आपकी डिपेंडेंट जो ड्रग आपने लेना शुरू किया और उनके कंट्रोल में भी हो जाते थे तो आप अगर अल्कोहल और ड्रग्स के आज कंट्रोल में नहीं हो जाते हो नहीं लेकिन सिर्फ तारीफ की आदत देखो तारीफ की आदत अल्कोहल <laughs> की आदत भी छूट सकती है ड्रग्स भी छूट सकता है एटलीस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है कोई दवाई है जो विल पावर है आप विद्रॉ करना चाहे आप किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन तारीफ से विड्रॉ करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है सुबह ग्यारह बजे बारह बजे आना रात ग्यारह बारह बजे तक सिर्फ तारीफ करना और पैसे लेना और चले जाना ये आत्मा का क्या होता होगा ये आत्मा नहीं ये आज हर आत्मा की आवश्यकता है सिर्फ लेवल और मैग्नेट्यूड अलग अलग होगा वाई वी आर टेकिंग एक्सट्रीम प्रोफेशन ताकि हम भी उससे अपने आप को रिलेट कर सकें हमारी कितनी डिपेंडेंसी उस पर हो जाती है जितना मैं आत्मा अंदर खाली हुँ. तो मेरा फीलिंग गुड के लिए आई बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग एंड लोगों से तारीफ पे डिपेंडेंट हो जाना तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी तो रहेगी कि ये तारीफ़ कल मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी इस केस में आपने कहा दे पे एंड गेट इट हाँ। तो ठीक है मिल जाएगी लेकिन जहाँ आपको अपने यू नो अचीवमेंट पर तारीफ़ मिलने वाली है आपकी परफॉर्मेंस पर तारीफ़ मिलने वाली है तो आपकी इनसिक्योरिटी और फिर एक बार मिली अगले दिन नहीं मिली अच्छा अगले दिन तारीफ नहीं मिली तो भी ठीक है अगर उसके अगले दिन तारीफ का ऑपोजिट मिल गया कितनी बात कितने लोग न्यूज़पेपर के और मैगज़ीन्स के जो क्रिटिक्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कितना बुरा लगता है और अच्छा लगता yes. है मेरा फीलिंग गुड अब क्या हुआ मुझे आत्मा की खुशी hmm. दूसरे की अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट हो गई तो ये कितनी बड़ी वेलरेबिलिटी है ये बहुत वलरेबलिटी है और जैसे आपने कहा कि वो नवाब जिनको वो पे करके ये तारीफ़ सुनते थे फिर वो अपनी पावर को जो उनकी तारीफ़ मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिया ना हाँ। क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे बिना इनका नहीं चलता इनकी खुशी हमारे पे डिपेंडेंट है इसी तरह जब लोगों को हमारे बारे में ये पता चलेगा कि हमारी खुशी हाँ। उनकी तारीफ पे डिपेंडेंट है तो लोग अपना काम करवाने के लिए हमें मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी बोलेंगे दिस इज वेयर मैनिपुलेशन विल कम इन नाउ वी कैन मैनिपुलेट विद एनिबली क्योंकि हमें पता है कि हमारे ये दो वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन विच इफ दे आर नॉट ट्रू हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर चाहे वो रिश्तों में चाहे वो ऑफिस में सो देन कैन आई कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल सब कुछ अचीव किया और किसी से एक वर्ड सुनने के लिए मेरी खुशी डिपेंडेंट है और जिस दिन नहीं मिला तो मैं अंदर से ऐसे हो जाऊं कैन आई कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल सक्सेसफुल वो जो खुद अपने अंदर स्ट्रोंग है इंडिपेंडेंट है और फिर उनकी खुशी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं खुशी की कोई इनसेरिटी नहीं वो तब होगा जब अंदर धर्म फिर बाहर करम सारी बातें करके फाइनली वी कम बैक टू मुरली का एक वर्ड एक वर्ड धर्म एक अपना धर्म पे रहोगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली तो कुछ करना ही नहीं ना, ना आपका वो काम वो फ्लो करेगा ना आपके हर कर्म में आपका ऑटो पायलट जैसे प्लेन चला जाता है उसको ऑटो पायलट पायलट लैंड भी कर लेना कर सकते क्योंकि आपका धर्म आपके हर कर्म में फ्लो करेगा एंड इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती अब सिर्फ हुआ क्या आज कि जब हम ऐसी लाइन सुनते हैं धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती एक्चुअली क्या होता है ना हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं बड़ों से दोस्तों से सीनियर बड़े भाई के फ्रेंड से यार देखो ना वो इतना खराब आदमी है और कितने मजे में है वो आदमी इतने गंदे काम करता है कितने मजे में है वो स्मगलिंग करता है वो कितने मजे में है, कितनी शानदार कोठी मैं साइकिल पे हूँ वो गाड़ी में है <laughs> ये माइंड में ना बातें पढ़ के पढ़ के फिर यूंस का आइडिया बदल, बदल जाता है बदल जाता है अब यहाँ समझ में आता है की सक्सेस मींस एंड रिजल्ट क्या है नहीं सक्सेस डजेंट मीन एंड रिजल्ट क्या है सक्सेस मींस एंड रिजल्ट जिसके लिए हम कर रहे हैं सक्सेस मीन्स एवरी मिनट हाउ आर यू फीलिंग आज अगर आपके पास कुछ नहीं है सपोज इन अ मटीरियल वे लेकिन अंदर आप स्ट्रांग हैं स्ट्रोंग हैं स्टेबल हैं आप बाहर अचीव कर ही लेंगे सपोज आज किसी का सब कुछ फिनिश हो जाता है किसी कारण से लेकिन आत्मा स्ट्रांग है तो वो आत्मा फिर से अचीव कर लेगी सब कुछ कर लेंगे लेकिन सब कुछ है लेकिन अंदर वीक है तो सक्सेसफुल नहीं है कुछ नहीं है फिर भी अंदर खुश है तो सक्सेसफुल है क्योंकि फाइनली सक्सेस और सब कुछ चाहिए क्या था खुश रहने के लिए यही मैं रिजल्ट कह रहा था कि एंड रिजल्ट ये है कि एंड में क्या चाहिए आपको एंड में अभी क्या during, हो रहा है ड्यूरिंग तो आप समझ में आए ना एक्चुअली क्या होता है क्योंकि ड्यूरिंग में नहीं रखा ध्यान ड्यूरिंग में नहीं रखा ध्यान तो देर इज नो एंड करेक्ट वाई सपोज मैंने कहा कि मेरी खुशी मेरी अचीवमेंट पर डिपेंडेंट है लेट्स से जितना अचीवमेंट उतनी खुशी अब मैंने ड्यूरिंग में ध्यान नहीं रखा मैंने हर टाइम कहा जितना अचीवमेंट उतनी खुशी मैंने एक गलत चीज़ पर मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है अचीवमेंट खुशी नहीं दे सकता उस पर डिपेंडेंट कर दिया देर इज नो एंड मतलब देर इज नो डेस्टिनेशन जहाँ मुझे खुशी अनुभव होगी क्योंकि खुशी बाहर से आनी नहीं है तो मैंने एक चीज़ अचीव की फिर भी मुझे कुछ वो वाली फीलिंग नहीं आई फिर मैंने नेक्स्ट अचीव की थर्ड अचीव की फोर्थ अचीव की करते गए करते गए जब तक आत्मा का शरीर छोड़ने का टाइम आ गया एंड है फिर एंड कौन सा कब एंड कहेंगे उसको जो आपने कहा कि हमारे प्रोफेशन में कई बार रिटायर ही नहीं करना चाहते क्योंकि देर इज नो एंड आप कौन सी डेट फिक्स करेंगे कि दिस इज द एंड ऑफ माय गोल मैंने तो की इतना करना था मुझे सिर्फ मैंने तो की दिस इज इंपोर्टेंट नहीं तो देर इज नो एंड तो ड्यूरिंग में नहीं ध्यान रखा तो देर इज नो एंड आपको वो दिन नहीं पता चलेगा कि कब मुझे सब कुछ हो क्या हो गया मुझे जितना चाहिए था मुझे मिल गया नाउ आई एम कम्प्लीटली सैटिस्फाइड इट विल नॉट हैपन इनफैक्ट एवरी पासिंग डे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी ना सपोज कोई ड्रग्स लेना शुरू करे या स्मोकिंग शुरू करे एल्कोहल शुरू करे क्या वो बोल सकता है कि इतना लेने के बाद आई बी है नहीं बोल सकते ना क्योंकि जितना लेते जाएंगे उतना उस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी तो बढ़ती जाएगी भी बढ़ता जाएगा क्योंकि उतनी चीज अब मुझको वो वाली एक्सपीरियंस देगी नहीं जितना पहले दे रही थी सो देर इज नो एंड इसीलिए बाबा ने कहा धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता पॉसिबल नहीं अब इस लाइन को हम सब ने कैसे इंटरप्रेट किया कि जो हमारा धर्म है रिलीजन मना रिलिजन मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी तो ये हमने थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टैंड किया कि धर्म यस धर्म के बिना सफलता नहीं मिलेगी लेकिन कौन सा धर्म आत्मा का धर्म और जितने आज रिलीजन है वो भी सब क्या सिखाने के लिए बने थे आत्मा का धर्म हर धर्म स्थापक ने हमें आत्मा का धर्म ही सिखाया था शांति सुख प्रेम का मैसेज ही तो दिया था लेकिन हमने वो मैसेज को आज नहीं यूज कर रहे हम कहते हैं ये धर्म ये धर्म को फॉलो करेंगे तो कर्म में सफलता मिलेगी कंफ्यूजन हो गया धर्म से रिलीजन का बहुत सारा रिलीजन इज ट्रू रिलीजन इज एब्सोल्युटली राइट फिर रिलीजन का मीनिंग फिर रिलीजन का मीनिंग क्या है हर एक धर्म स्थापक ने तो एक ही मीनिंग दिया ना किसी ने डिफरेंट कुछ दिया नहीं है सब ने एक ही दिया लाइट है परमात्मा एक है उंगली ऊपर थी गॉड इज लाइट गॉड इज ट्रूथ एंड माय रिलीजन पीस लव हैप्पीनेस किसने hmm. कुछ और बोला है उसके अलावा every founder of every religion has said the same thing. Words different हो सकते हैं तरीका different हो सकता है presentation different हो सकती है message identical. कोई light कहता है कोई निराकार कहता हाँ, है हाँ लेकिन वो उसका मीनिंग तो सेम ही था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक ने आत्मा की क्वालिटीज के बारे में भी बात की ना किसी के लिए कोई कहते हैं नहीं इन्होंने भगवान के बारे में नहीं कुछ बोला लेट्स से इन्होंने रिचुअल्स नहीं, नहीं, नहीं बोले लेकिन कौन सा रिलीजन कौन सी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मठ पंथ आज है जो शांति प्रेम विश्वास सुख के बारे में बात नहीं करता है सो so, आत्मा की क्वालिटीज के बारे में तो हर एक बात कर रहा है इट्स जस्ट दैट हमने वो वाले बात को लेकर अपने जीवन में यूज करना था चलो मैं आत्मा हूँ और मेरी ये क्वालिटीज हैं तो मैं मुझे डिफिकल्ट क्यों है मैं, मैं अपने आप को मैं बनने के लिए अब सूरज को डिफिकल्ट नहीं है ना वो hmm. तो सूरज ही अपना काम कर रहा है hmm. पानी अपना काम कर रहा है अग्नि अपना काम करती है तो आत्मा अपना काम क्यों नहीं कर सकती भूल गई ना मैं कौन हूँ आज आप एक्टर हैं प्रोफेशनली तो आपके लिए एक्टिंग करना बहुत इजी hmm. है सपोज कुछ हो और आपको मेमोरी चली जाए कि मैं एक्टर हूँ फिर आप एक्टिंग नहीं करेंगे नहीं बट मेमोरी ऑफ हु एम आई सपोज आप एक फादर हैं आज चलो एक पिता है आपके सामने आपका बच्चा खड़ा है आपको याद है ना स्मृति है ना मैं पिता हूँ ये बच्चा है अगर वो स्मृति चली जाए हमें दिखता है ना ऐसे लोगों को स्मृति चली जाएगी कि ये मेरा परिवार है तो परिवार तो वही है वो भी वही है कई लोग बीमार हो जाते हैं तो बचा नहीं सकते स्मृति चली गई ना रिश्ता वही है वो बच्चा है वो वाइफ है वही सब है स्मृति चली गई इतने करोड़ों 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 करोड़ मनुष्य की सारों की स्मृति चली गई हाँ ये सब सबकी स्मृति चले गई है क्योंकि सब आज अपने आप को क्या समझते हैं मैं कौन बॉडी हाँ, तो टिपिंग रीच हो गया ना टिपिंग पॉइंट रीच हो गया मैं बॉडी मैं प्रोफेशन मैं नाम मैं रिश्ता तो स्मृति चली गई आज जैसी स्मृति आएगी तो फिर व्यवहार और गुण आने लग जाएंगे इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बर स्मृति स्मृति से स्थिति स्थिति से संकल्प संकल्प से वृत्ति दृष्टि बोल व्यवहार लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मुरली सुनते समय समझ में आती है बात बाद में फिर भूल जाते 24 चौबीस घंटे क्योंकि फिर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो उसमें स्टे करना क्या पॉसिबल है क्या अगर हाँ रोज हम सुनते हैं तो धीरे धीरे स्टे करना शुरू हो जाते हैं किसी की मेमोरी चली जाती है तो कैसे याद आती है रिमाइंड करते रहते धीरे एक ही दिन में हो जाएगा नहीं एक ही दिन में नहीं होता उनको रोज याद दिलाओ रोज याद दिलाओ कभी कुछ दिखाओ कभी कुछ बोलो सब करो फिर धीरे धीरे उनको एक छोटी बात याद आएगी फिर धीरे धीरे कुछ और याद आएगा धीरे 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 स्मृति आएगी ये तो कुछ देर या कुछ सालों की स्मृति जाती है ये तो कई हजार सालों की स्मृति चली गई है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा तो शिव बाबा क्या करते हैं कि रोज याद दिलाते हैं तुम कौन हो तुम कौन हो धीरे धीरे आने एक फिल्म देखी थी सिस्टर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को उसकी वाइफ की वो चले जाती है मेमोरी तो वो नौकरी करने आता है इनके पास बोलते है, मैं रोज, रोज तुमको एक कहानी सुनाने आया करूंगा अच्छा हाँ। और वो अपनी शादी के दिन से लेके आज तक की सुनाता है से? सुंदर थी तो आके रोज कहानी सुना 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 के फाइनली याद आ गया होगा ना सारा आज तक की तक तो वही तरीका है अच्छा ये भी नहीं कर सकते कि एक दिन आकर सारा कुछ सुना दे नहीं इट वर्क कोई कहे ना अब अगर पूरी जीवन की कहानी सुनानी है एक तो दिन में ही सुना दो सारी नहीं आएगा याद इट हैज टू बी डन वेरी 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 स्लोली नाइस स्टोरी अभी बाबा भी तो रोज आकर सुनाता है फिर इसी तरह है ना तो इसीलिए रोज का महत्व है अब जो आपने कहा ना कि वो आकर रोज उनको एक कहानी सुनाते थे अगर वो एक दिन सुनाए फिर सेवन डेज नहीं सुनाए फिर एक दिन सुनाए फिर नहीं सुनाए दस दिन नहीं होगा काम इट्स लाइक ऊपर की लेयर उतारनी शुरू करनी है ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी सी उतारी फिर दस दिन छोड़ दिए फिर चढ़ जाएगी उतनी सारी फिर थोड़ी सी उतारी नहीं रोज थोड़ी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी उतारनी है ओरिजिनल लेयर के तो मटेरियल इतना अच्छा है पुराने जमाने में हम जो कार को पेंट करते थे ना जैसे ऊपर का रस्ट निकालते थे इमीजिएटली एंटी रस्ट लगा देते थे yes. अगर रात को रह गया तो mm. सुबह फिर रस्ट आ पेंट ही नहीं कर सकते yes. फिर सड़ जाएगा आयन सड़ जाता था hmm. हम हम, तो हम भी अभी तो 24 घंटे भी नहीं रह पाते हैं मुरली सुनने के बाद 24 घंटे तक भी उसका इफेक्ट नहीं रहता है नहीं रहता है क्योंकि एक ये उतरेगा लेकिन सारा दिन में जो चढ़ता है फिर से आता है। सारा दिन में और जितना कलयुग और अति को पहुंचेगा वो रस्ट आने की स्पीड रस्ट का क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है कहाँ एक समय था कोई टीवी नहीं कोई इंटरनेट नहीं कोई फोन नहीं तो रस्ट चढ़ने की मार्जिन कम थी अक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड अभी तो हर मिनट के बाद इन्फॉर्मेशन जितनी ये हम ऐसे लेते जाएंगे कलयुगी इन्फॉर्मेशन तो रस्ट चढ़ने की स्पीड वो फास्टर हो जाएगी तो इसीलिए रोज़ बाबा तो इसलिए कहते हैं रोज़ मुरली सुनो फिर मुरली में से कुछ एक पॉइंट्स लिखो फिर हर दो तीन घंटे के बाद वो छोटी सी नोटबुक को निकाल कर वो पॉइंट रिवाइज कर लो हमारी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दादी जान के जब वो नए आए ब्रह्म कुमरीज में मतलब सेवेंटी फाइव ईयर्स पहले तो उन्होंने बाबा को कहा मुझे फास्ट जाना है मेरे को बहुत करना है पुरुषार्थ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे क्या करना चाहिए तो बाबा ने कहा मुरली दिन में पांच बार पढ़ो एंड शी जस्ट पिक दैट अप अब हम सोचेंगे मुरली पांच बार पढ़नी एक बार हो जाए वही बहुत बड़ी बात किया ना हाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया yes.

पढ़नी ना विवेंटी फाइव ईयर्स मोर देन सेवेंटी फाइव ईयर्स पांच पर अब तो शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट नॉलेज ना मतलब इफ शी स्टार्ट स्पीकिंग इट्स ऑल बिकॉज इतना सारा जैसे वो शोक हो गया है अंदर पूरी तरह से तो अब तो वो ज्ञान का स्वरूप ही बन गए हैं अब वो धर्म में स्थित होकर कर्म करना फिर ऑब्वियसली उनके लिए तो नेचुरल हो गया अटेंशन नहीं रखना पड़ता लेकिन उतना मुरली का महत्व है जैसे दादी ने कहा दिन में पांच बार किया हमें कम से कम रोज एक बार तो करना ही है और फिर जो पी के भाई बहने क्लास में आते हैं सारे वो एक छोटी सी डायरी रखते हैं उसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं दो तीन पॉइंट्स भी लिख लिए फिर दिन में बीच बीच में एक बार निकाल के वो पॉइंट यूज कर लिया सारा दिन में भूल जाएगा मैंने भी लिखा था एक बार लेकिन वो डायरी भूल जाता था हाँ तो ये ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है थोड़ा सा अटेंशन है इनिशियल फेज में गाड़ी को धक्का लगाने वाली बात है अब जैसे इतनी ही लाइन धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता नहीं है इसको हम लिख लें सुबह सुना समझा सोख किया लेकिन लिख लिया और बीच बीच में रिवाइज कर लिया तो कहीं भी थोड़ी सी तो फिर बट धर्म तो सारी क्वालिटी आ गई ना लव भी आ गई तो आ गई नॉलेज भी आ गया सब कुछ तो आ ब्लिस भी आ गया तो चाहिए यही तो चाहिए सिर्फ हमारा फोन नंबर है डबल नाइन डबल नाइन सेवन डबल फोर ट्रिपल फाइव और हमारा ईमेल आईडी है पीस ऑफ माइंड टीवी एट जी मेल डॉट कॉम